बिसमीम्समैक्म माई सेल्फ़ सामा कसम आर माय ग्रुप मेंबर्स सकीना मुस्तफ़ा मारिया इनाम अमना अमजद एंड आयशा नजम इस वीडियो में दरअसल हम बात करेंगे ऐसे ड्रॉइंगमेंट्स की जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और किस तरह इनका मेकनिज़म चेंज होने की वजह से यह मख्तलिफ़ टाइम में ड्राइंग के प्रोसेस को कम्प्लीट करते हैं बिफोर गोइंग टू दिस किस द ड्राइंग इक्वमेंट्स लेट मी गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ड्राइंग प्रोसेस पहले हम ये समझते हैं कि ड्राॅइंग होती क्या है ड्राइंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एयर फ्लो या प्रेशर इस्तेमाल करते हुए हम एक्सेस ऑफ मॉइस्चर को एलिमिनेट करवाते हैं नॉलेट स्टॉक द ड्राइंग इन इंडस्ट्री ड्राइंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस बिकॉज एक्सेस मॉइस्चर इन एनी ऑफ डोजेज फॉर्म में कॉज द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग मैनुफैक्चरिंग और इवन आफ्टर द मैनुफैक्चरिंग ना लेट्स कम टू अर टॉपिक ड्राइंग इक्विपमेंट्स ड्राइंग इक्विपमेंट्स बेसिकली ऐसी डिवाइेज हैं जो कि स्पेसिफ़िकली डिज़ाइन की गई हैं ताकि हम एक्सेस ऑफ मॉइस्चर को रिमूव करवा सकें हम यहाँ इस वीडियो में जिन इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास है माइक्रोवेव ओवन हेयर ड्रायर एंड एयर ड्राई प्रोसेस चलें बात कर लेते हैं एयर ड्राई प्रोसेस की हम सभी इस प्रोसेस से बखूबी वाकिफ़ हैं हम सब ने कभी ना कभी इस प्रोसेस के ज़रिए ड्राइंग किया इस प्रोसेस का फ़ायदा यह है कि हमें ज़्यादा एनर्जी इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्योंकि हम इसमें एनर्जी इनपुट नहीं करते इसीलिए इसको चीज़ों को ड्राई करने में ज़्यादा वक्त लगता है एक वीडियो से समझते हैं कि यहाँ हमने एक पीस ऑफ क्लोथ लिया उसको हमने पानी के अंदर डिप किया इसके बाद हमने इसको ड्राई होने के लिए बाहर रखा ऐसी जगह जहाँ पे सनलाइट लाइट पहुँचे और ह्यूमिडिटी ना हो द टेम्परेचर वैन वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इज अप्रोसीमेटली थर्टी टू डिग्री सेल्सियस एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली थर्टी सिक्स मिनट्स टू कम्प्लीटली ड्राई द पीस ऑफ क्लोथ जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोसेस डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर इफ़ द इन्वायरमेंट इज टू ह्यूमेड इट मे टेक लॉन्गर टू ड्राई द मटेरियल चलिए आप बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट इक्विपमेंट की जो कि हेयर ड्रायर अ गेम चेंजर इट इट इज़ वेरी क्विक एंड एफिशियंट ड्राइंग इन कंपेरिजन ऑफ हेयर ड्राई नेट मे एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ वीडियो हेयर ड्रायर अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ब्लो हॉट एयर ओवर द वेट मटेरियल बेसिकली इसका मेकेनिज्म यह होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फैंस होते हैं जो कि कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं और एयर को ब्लो करवाते हैं अक्रॉस द हीटिंग एलिमेंट जैसे ही जो आपकी एयर होती है वो हीटिंग एलिमेंट से पास होती है तो वो वॉम हो जाती है और फिर ये हॉट एयर एग्जिट करती है नोजल के थ्रू जब हॉट एयर आपके वेट मटेरियल तक पहुंचती है तो वहां से ये आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करवाती है और आपके मटेरियल को ड्राई करवाती है यहाँ पे हमने इसको हाई हाई स्पीड पे रखा था और अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव मिनट्स लगे थे आपके पीस ऑफ क्लोथ को ड्राई होने के लिए ना लेट्स कम टू द मोस्ट हाई टेक ऑप्शन दैट इज माइक्रोवेव एंड ओवन माइक्रोवेव यूजिंग रेडिएशन वेयर इज ओवन यूटिलाईज द कन्वेक्शन टू सर्कुलेट हीटेड एयर अराउंड द drying here we परफॉर्म द little एक्सपेरिमेंट टू चेक द efficiency ऑफ both इक्विपमेंट्स वही सारा प्रोसेस किया हमने एक पीस ऑफ क्लोथ लिया जिसको हमने गीला किया और उसको हमने माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखा यहाँ जब पीस ऑफ क्लोथ को माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखा तो यहाँ से माइक्रोवेव रेडिएशंस निकलना स्टार्ट हुई तो ये माइक्रोवेव रेडिएशन बेसिकली पेनीट्रेट करेंगी मॉइस मटेरियल के अंदर देन डीज रेडिएशंस डेन टर्न्स इंटू वेपर और ये वेपर्स जो हैं बाई यूजिंग द फैंस ये बाहर जाएंगे और आपका जो मटेरियल है उसे ड्राई करवाएंगे माइक्रोवेव ड्राइंग के ज़रिए अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे दो मिनट लगे कम्प्लीटली ड्राई करने के लिए इस पीस ऑफ क्लोथ को इसी के साथ बात कर लेते हैं ओवन ड्राइंग की वही सारा प्रोसेस पीस ऑफ क्लोथ को डिप किया वाटर के अंदर एंड देन इसको हमने ओवन के अंदर रख दिया ड्राई होने के लिए ओवन ड्राइंग बेसिकली कन्वेंशनल ड्राइंग भी कहलाती है उसकी वजह यह है कि इसके पास फ़ैन के अलावा कुछ हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं और ये हीटिंग एलिमेंट्स मदद करते हैं हॉट एयर को सर्कुलेट करवाने में थ्रू आउट दी ओवन कैविटी इससे जो आपके पास ओवन में डिफरेंट डिशेस जो डिफरेंट रैक पर रखी होती हैं वहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है हीट की इस प्रोसेस के ज़रिए ड्राइंग करवाने में हमें अप्रॉक्सीमेटली फ़ाइव मिनट्स लगे ताकि हम इस पीस ऑफ क्लोथ को कम्प्लीटली ड्राई करवा सकें हमने इस वीडियो से समझा कि किस तरह हेयर ड्राय प्रोसेस एयर ड्राई प्रोसेस से बेहतर है इसी तरह जो माइक्रोवेव ड्राइंग है वो ओवन ड्राइंग से बेहतर है क्योंकि इन सबका मैकेनिज़्म एक दूसरे से अलग है जिसकी वजह से इनका टाइम वेरी करता है ड्राई करने के लिए यहाँ हम देख सकते हैं कि एयर ड्राई में हमने जो टेम्परेचर रखा वो 32 डिग्री सेल्सियस रखा और जबकि इसको टाइम लगा 36 सिक्स मिनट्स हेयर ड्राई में वहीं हमने हाई मोड पे उसको रखा और 25 फाइव मिनट्स लगे उसको कंप्लीटली ड्राई करने के लिए आपके पीस ऑफ क्लोथ को माइक्रोवेव ओवन इज़ बेटर देन कन्वेंशनल ओवन बिकॉज द माइक्रोवेव ओवन हैव द रेडिएशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में माइक्रोवेव ओवन ने टू मिनट्स में पीस ऑफ क्लोथ को ड्राई किया जबकि कन्वेंशनल ओवन ने 180 डिग्री सेल्सियस पे पाँच मिनट लिए उसी पीस ऑफ क्लोथ को ड्राई करने के लिए आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा थैंक यू सो मच